इलेक्शन के, क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार बनेगी? और बीजेपी शिवसेना की जिस तरह से अनबन चल रही है, आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए या शिवसेना अलग सरकार बनानी चाहिए? देखिए, बीजेपी वालों को तो मेरा सलाम पहले से ही आप लोगों के दिल में बसती हूँ मैं उद्धव ठाकरे जी, शिवसेना को एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर बाला साहब ठाकरे होते तो इस टाइम पे वो सीएम हो जाते, बन जाते थे, वो सीएम बनते थे। तो शिवसेना के हिसाब से, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा शिवसैनिक अगर अभी कोई है शिवसेना में, तो वो खुद उद्धव ठाकरे हैं। टेक अ स्टैंड मैन, दिस इज अ टाइम फॉर यू। अगर आप अब सीएम नहीं बने तो फिर कब बनोगे? जनता वेट कर रही है, वेट करते करते ऐसा ना हो कि वेट ही करती रह जाए। आपका सीएम बनना जरूरी है, तो ये डिसीजन लीजिए, टेक अ स्टेप अहेड। वो तो आदित्य को बनाना चाह रहे हैं, आदित्य ठाकरे उप सीएम बन जाए, उनका प्लान तो ये है। अब देखिए, उप यानी कि वाइस, यस, उप यानी कि वाइस। वाइस क्या कर लेगा जब ऑलरेडी सीएम रहेगा? तो सीएम का जो निर्णय है वो सीएम ही लेगा ना, वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं, वाइस सीएम तो नहीं लेने वाला है वो। वाइस सीएम लेके कुछ मतलब ही नहीं है। और जहाँ तक आदित्य ठाकरे की बात है, तो ही हैव अ टाइम इन हैंड, तो ही हैज वेरी मच टाइम इन हैंड वेयर ही कैन एक्सप्लोर द पॉलिटिक्स इन अ डिफरेंट वे टू द इंडियन कल्चर। हियर वी कैन वेट एंड वॉच उद्धव ठाकरे इन स्पाइट ऑफ आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे के पास वक्त है, वो अपनी राजनीति दिखाएंगे, समझाएंगे, समझेंगे, हम देखेंगे उनकी राजनीति पे चलेंगे, हिंदुस्तान को क्या फ़ायदा मिलेगा इसमें, महाराष्ट्र को क्या फ़ायदा होगा आदित्य ठाकरे की राजनीति देखने के लिए, उसके लिए काफ़ी समय है हमारे पास। हम चाहते हैं, हम जितने भी मेरे ख्याल से सोसाइटी के बड़े लोग होंगे, वो लोग चाहते होंगे कि ये वक्त उद्धव ठाकरे को अपना रंग दिखाने का है, अपनी कला दिखाने का है, और अपना जुनून दिखाना है कि महाराष्ट्र वासियों के लिए उनके प्रति दिल में क्या है, उनके पिताजी के दिल में क्या था, और आज वो क्या कर सकते हैं महाराष्ट्र के लिए, ये उनको दिखाना है। ही कांट बी और स्टैमलर के नहीं, मेरे एक कुछ तो पहले मेरे पिताजी ने जो भी किया था राजतंत्र, अब मेरा बेटा करेगा उसके बाद में। तो आपका तंत्र कहाँ गया? तो आप शिवसेना के हेड बन के बैठे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न तो आपसे उठता है। आई डोंट थिंक सो कि आदित्य को आप आगे करें इस वक्त। आदित्य यंगस्टर है, ही कैन बी द बेस्ट मोर देन दिस, ट्रस्ट मी, वो इससे भी बेहतर पोजिशन में पहुँच सकता है। जब एक चाय वाला पीएम पद लगता है, तो हम जैसे पढ़े लिखे लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस से मुंबई रफ्तार न्यूज की खबरें पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।